हेलो दोस्तों, मैं सविता, सविताज किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बड़े बैंगन की बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी, जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा कुरकुरा रहेगा दोस्तों। और आप एक बार इसे खा लेंगे ना तो सच में आप बार बार यही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों। तो देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बड़ा वाला बैंगन ले लिया है, आप छोटे बैंगन का भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बड़ा वाला बैंगन, जिसे हमने इस तरह से सर्कल शेप में कट कर लेंगे। तो पहले हम बीच से कट करके देख लेंगे कि कहीं ख़राब तो नहीं है, क्योंकि बैंगन अक्सर ख़राब रहता ही है, इसके लिए हमें पहले चेक कर लेना है दोस्तों। फिर इस तरह से हम सर्कल शेप में इसे कट कर लेंगे और इसे कट करके ना हम डायरेक्ट पानी में ही डालेंगे, नहीं तो क्या रहता है ना, बैंगन थोड़ा काले भी पड़ जाते हैं और इसमें कड़वापन भी आ जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि काटने के बाद इसको तुरंत पानी में ही डालना है। तो बस इसी तरह से हम सारे बैंगन को कट कर लेंगे, मतलब जितना बैंगन है हमारे पास उतना हम कट कर लेंगे, उतने पीसेस को। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है दोस्तों। और आप लोग भी वीडियो को पूरा देखना और आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, यकीन मानिए आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बैंगन को, सारे बैंगन को काट कर पानी में डाल दिया। अब हमें इसे 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लेना है। तो देख सकते हैं, हमने 3 से 4 पानी अच्छे से धो लिया, वापस से हमने पानी इसमें रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक थाली में हम पानी से इसे निकाल लेंगे। तो हमने एक थाली ले लिया है जिसमें हम बैंगन के पीसेस को हम इस तरह से थाली में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अगर आज की हमारी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है, आप सभी को आएगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फैमिली फ्रेंड्स को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली ऐसे ही नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देख सकते हैं, हमने थाली में बैंगन को ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चावल का आटा। तो इससे ना जो हमारा बैंगन बनेगा ना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरा बनेगा इससे, मतलब इससे थोड़ा क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर, और इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, और इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे कलर के लिए। फिर इसमें वापस से हम तीखा वाली लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा तीखापन आने के लिए, ताकि हमारा जो बैंगन फ्राई रहेगा ना, थोड़ा सा चटपटा बनेगा, मतलब थोड़ा तीखा लेके बनेगा, अच्छा लगेगा। अब चटपटापन के लिए हम डाल देंगे इसमें चाट मसाला और हींग डाल देंगे, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। बस हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जो बैंगन के पीसेस हैं सारे मसाले इस पर कोट हो जाएं। बस इसी तरह से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दोस्तों। तो आज हम बना रहे हैं बैंगन फ्राई दोस्तों, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और कम तेल में बनकर तैयार भी हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं, हमने सारे बैंगन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और सारे बैंगन पे मसाले अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब हमने रख दिया है गैस पर पैन। तो पैन में हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तो तेल भी इस रेसिपी में बहुत कम लगता है दोस्तों, इसीलिए रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो बस तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम तेल में जो हमने बैंगन को मिक्स करके रखा है ना, मसाले कोट करके, अब हम इसमें एक एक करके जितना आएगा पीसेस उतना हम एक बार में डाल देंगे, और हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, ताकि हमारा बैंगन अच्छी तरह से कुक भी हो जाए और अच्छी तरह से कुरकुरा और फ्राई भी हो जाए। तो हमें इसे ना अलट पलट कर अच्छी तरह से इसे हमें कुरकुरा कर लेना है। तो चाय के साथ ये बैंगन फ्राई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों, और आप इसे खाने के साथ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्नैक्स है, इसे आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, अच्छा लगता है दोस्तों। तो देख सकते हैं, एक तरफ थोड़ा थोड़ा कलर आ गया, हम इसे पलट दिए हैं। बस हमें मतलब अच्छी तरह से इसे कुरकुरा करना, जैसे कि एकदम से कुरकुरा जैसे क्रिस्पी हो जाए, बस उतना हमें इसे क्रिस्पी कर लेना है। इसे हमें चेक करते रहना है और पलटते रहना है। देख सकते हैं ना, हो रहा है ना कुरकुरा, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है इसका। बस इसी तरह से हमें इसे अलट पलट कर अच्छी तरह से कुरकुरा कर लेना दोस्तों। तो बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाना, आप सभी को बहुत पसंद आएगा, हमें उम्मीद है दोस्तों। तो देख सकते हैं, इसे हमने पलट दिया है, फिर वापस से हमें एक बार पलट लेंगे। तो देख सकते हैं, हमने पलट भी दिया है, तो हमारा मतलब बैंगन फ्राई देख सकते हैं कितना कुरकुरा लग रहा है ना, क्रिस्पी एकदम से। तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, इसी तरह से अलट पलट कर, और एक साथ हम रख के, और अभी दिखाते हैं आपको। बस देख सकते हैं आप, इस तरह से हम इसे निकालेंगे तो इसका जो इसमें ऑयल है ना, वो निकल जाएगा। तो थोड़ी टाइम के लिए हमें इसी तरह से रखना है, ताकि इसका जो ऑयल है निकल जाए।
तो बस इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए ना कितना क्रिस्पी, कितना कुरकुरा लग रहा है, वाकई में माउथ वाटरिंग रेसिपी है दोस्तों। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत पसंद आएगा आप सभी को भी। तो बस इसी तरह से हम दूसरा बैच भी बना लेंगे सेम प्रोसेस से। तो तेल भी हमें नहीं डालना क्योंकि हमारे पैन में तेल ऑलरेडी है और ये रेसिपी तेल बहुत कम लेता है, बहुत कम लेता है दोस्तों। आपको तो पता है, देखिए आप, 3-4 चम्मच मैंने डाला, उसमें एक बैच निकल गया, दूसरा बैच भी हम उसी तेल में फ्राई कर रहे हैं। तो बस इसे भी हम अलट पलट कर अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया दोस्तों। देखिए कितना टेस्टी लग रहा, नहीं दिखने में कितना टेस्टी लग रहा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। तो आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा धनिया गार्निश कर देंगे हरी धनिया से, और थोड़ा सा हम ऊपर से चाट मसाला, चटपटा फ्लेवर के लिए, मतलब थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा और भी टेस्टी लगेगा, इसके ऊपर हम चाट मसाला डाल देंगे। बस लीजिए, हमारा चटपटा सा ब्रेकफास्ट नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप चाय के साथ इंजॉय करिए या दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।